नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इंजरीज के बारे में, चोट लग जाना, चोट लग जाना। तो चोट लग जाने का प्रोग्राम हम पहले भी एक दो बनाए हैं, तो कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो हम आज इसको बता करके पूरा कंप्लीट करते हैं, जिसमें नसों की चोट वगैरह का भी इंतजाम है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और भी पहले वीडियो बनाए हैं, उनको आपने देखा होगा, ना देखा होगा तो देख लीजिएगा, उसमें बाहरी चोट में, कटे पटे में कैसे क्या करना है। इसमें भी एक चोट लगने का चैप्टर हम आपको बता दे रहे हैं, ये भी अच्छी दवाइयां हैं और इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चोटें ऐसी होती हैं कि जो नहीं ठीक होती आसानी से, तो इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित रूप से आराम मिलता है। तो इसमें सबसे पहली दवा बता रहा हूँ, हाइपेरिकम। जबकि प्रभावित नर्व हिस्सों के साथ नाड़ियों को भी चोट पहुँच जाती है, जैसे कि कीलों पर चलना, सुई पिन चुभना, कीड़ों के दंश में तथा पशुओं के काटने पर उन हिस्सों में चुभने, फटने अथवा चोट की चमत्कारी दवा जिनमें नाड़ियां प्रचुरता से होती हैं, जैसे कि होठ, उंगलियों के सिरे, यह रीढ़ की अंतिम रीढ़ में लगी हुई चोट के लिए भी उपयोगी है। लीडम पी तत्काल ही दें ताकि टीटनेस से बचाव हो सके। चोट के परिणाम स्वरूप टीटनेस में असहनीय दर्द, पुरानी चोटों के घावों में दर्द जो नाड़ियों तक जाता है। तो दोस्तों, चोट के दुष्परिणाम की ये दवा है, चोट के दर्द की दवा है, तो इसको याद रखना चाहिए, हाइपेरिकम। इसके बाद है सिम्फाइटम। किसी मोथरे औजार द्वारा किए गए प्रहार से लगने वाली चोटें, ऑपरेशन के बाद पीड़ा देने वाला ठूंठ, तंतुओं की चोटों में जब रूटा फेल हो जाए तो इस दवा को आजमाना चाहिए, जबकि भरने की गति धीमी होती है तो सिम्फाइटम दवा आजमानी चाहिए। इसके बाद है स्टेफिसेग्रिया। किसी तीखे औजार से चीरा लगाने पर घाव में अथवा किसी सर्जन द्वारा ऑपरेशन में शरीर में काटा लगाया गया हो पर बिगड़ गया हो, उसमें चुभने वाला जलन युक्त दर्द हो, तो स्टेफिसेग्रिया दवा यूज की जाती है। इसके बाद है लीडम। छेद किए गए घावों में जो कि छूने में ठंडे लगते हैं तथा रोगी जिनको ठंडी चीज लगाने से राहत मिलती है, वे घाव जिनमें खून बहुत थोड़ा निकलता है तथा उसके बाद दर्द होता है, प्रभावित हिस्से का फुलाव और ठंडापन, किसी धक्के अथवा चोट से आंख काली पड़ जाना, तख्तों पर चलने पर अथवा सुइयों पर चलने से जो कि खतरनाक ढंग से इधर उधर पड़े रहते हैं, इनसे पैर के तलुओं में अथवा हाथ के हथेलियों में होने वाले घाव जो कि सेप्टिक बन जाते हैं, यह दवा टीटनेस से बचाव करती है। जब टीटनेस की बीमारी वास्तव में हो जाती है तो यह उसके इलाज की दवा नहीं है, उस मामले में हाइपरसियम दें। चोट लगे अथवा छेद किए गए अंग का क्षय, तो इस दवा को यूज किया जाना है। इसके बाद है एनाकार्डियम। जब तंतु प्रभावित हो। नेक्स्ट है एरिस्टोलोचिया। फफोले अथवा घाव जूते के काटने, घोड़े की सवारी, नाव खेने, बगीचे में काम करने इत्यादि के कारण, तो इस दवा को यूज करना है। नेक्स्ट है रूटा। मोच तथा मोच के बाद गांठ बनना, मोच के बाद लंगड़ाना, खास करके टखनों में व कलाइयों में, चोट अथवा मोच के कारण हड्डी से तंतुओं का अलग हो जाना, फुटबॉल तथा हॉकी के खिलाड़ियों के स्टैम्प पर किक्स की चोटें, इस दवा से शीघ्र ठीक हो जाती हैं, हड्डियों के टेंडनों व कार्टिलेज में चोटें, तो इस दवा को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आर्निका मॉन्ट। अत्यधिक दर्द के कारण बहुत अधिक संवेदनशीलता, यह गठिया, संधिवात आघात अथवा अन्य चोटों में भी हो सकती है, नरम हिस्सों में चोटें,
अत्यधिक मेहनत करना, तनाव अथवा मोच, सारे शरीर में पीड़ा, मोच वाले जोड़ों में कालापन अथवा नीलापन आने का इलाज इस दवा से हो जाता है। तो दोस्तों ये दवा जो है नोट करें, इसमें इसको कई पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। ताजी चोट में 30 पोटेंसी ली जाती है और बहुत हैवी चोट में इसकी 1000 पोटेंसी ली जाती है, 200 पोटेंसी ली जाती है। और ख़ास बात यह है कि चोट लगने की वजह से या अधिक मेहनत करने की वजह से आपको दूसरे तीसरे दिन दर्द होता है, तो इसकी 1 mg पोटेंसी रोज एक बार लेनी चाहिए। हमने इसका अलग से भी एक प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ कि चुटहिल दर्द, मेहनत कर लेने की वजह से दर्द, ज़्यादा पैदल चल लेने की वजह से दर्द, अत्यधिक संभोग कर लेने की वजह से शरीर में दर्द, किसी भी तरह का चुटहिल दर्द आपके शरीर में है मेहनत करने की वजह से, तो वह आर्निका माउंट की 1000 पावर से आराम मिलता है। तो 1 mg पोटेंसी और 30 पोटेंसी दोनों पोटेंसी घर में रखनी चाहिए। अगली दवा है कैलेंडुला। चीरा लगाए गए घावों के मामले में कैलेंडुला दवा लगाई जाती है। इस पर लगाया भी जाता है मदर टिंचर और इसकी 30 पोटेंसी खाई भी जाती है। तो कैलेंडुला जो है चोट के मामले में होम्योपैथिक में टॉप की मेडिसिन है। जैसे कि एलोपैथ में बीटाडीन देते हैं, हर जगह कट पड़ जाने पर, ऑपरेशन हो जाने पर, खून के कहीं भी घाव रहता है तो बीटाडीन ही लगाते हैं, उसी तरह होम्योपैथ में कैलेंडुला लगाते हैं, कैलेंडुला का मदर टिंचर, और 30 पोटेंसी में इसको खिलाया जाता है। एंटीबायोटिक का काम करती है और घाव को सुखाती है तेजी। नेक्स्ट है एलियम सीपा। ठूंठ में ऑपरेशन के बाद चुभने वाला भयानक या जलन वाला दर्द, तो एलियम सीपा से जाता है। रस्टॉक्स, मोच लगने तथा अत्यधिक बोझ उठाने पर हुई तकलीफ की एक बहुत अच्छी दवा, इसे आजमाना चाहिए जब मांसपेशियां अथवा टेंडन खिंच गए हो तथा जब आर्निका का प्रयोग काफ़ी असरदार न सिद्ध हुआ हो, तब यानी कि आर्निका से चुटहिल दर्द न ठीक हुआ हो, तब रस्टॉक्स को यूज़ किया जाना चाहिए। और इसकी भी 30, 200 और 1 mg पोटेंसी यूज़ की जाती है। इसकी भी 1 mg पोटेंसी दर्द में राहत देती है बहुत अच्छी तरीके से। इसकी 1 mg पोटेंसी भी हमेशा रखनी चाहिए और 30 पोटेंसी भी रखनी चाहिए। और दर्द के मामलों में जब वो दर्द रेगुलर बना रहता है और आर्निका माउंट 1 mg से दर्द न जाए, तब इसको आजमाना चाहिए। वैसे दर्द की ये बहुत अच्छी दवा है। अगली दवा है कैल्केरिया फॉस। जब हड्डियाँ चटक गई हो या टूट गई हो, यह दवा आर्निका रूटा तथा सिम्फाइटम 1 mg के साथ हर दूसरे दिन बदल कर दें, ठीक है। इसके बाद है पायोनिया, पीनिया, दबाव के कारण बनने वाले अल्सरों में जैसे कि सयाव्रण, बेड सोर तथा ठीक से फिट न होने वाले जूतों के कारण घाव हो जाते हैं, तो इस दवा से ठीक। और इसके बाद है बेलिस पेरेनिस, चोटों तथा मोचों की एक महान दवा, छूने में दुखे या रक्त की नलिकाओं तथा नाड़ियों दोनों को ही प्रभावित करती है। इस प्रकार आर्निका तथा हाइपेरिकम के गुणों को संयुक्त करती है। स्तनों में कड़ापन आना जो कि चोट लगने के बाद बना रहता है, तो इस दवा से ठीक होता है। और लास्ट में है क्रोकस, जब घावों में से पीप भरती रहती है, तो इस दवा को देना चाहिए। तो दोस्तों चोट के मामले में इन दवाओं को बताना जरूरी था, इसलिए हमने सोचा आप लोगों को आज ये बता दें कि चोट का मैटर पूरा कंप्लीट हो जाए। पहले भी हमने अंजलि का बताया है, अंदरूनी चोट और बाहरी चोट के मैंने एक दो प्रोग्राम बनाए हैं, तो इसको भी उसके साथ देख लिया जाए। और इसमें जो बताई गई दवाइयाँ हैं, जैसे लक्षण बताए हैं, जैसी कंडीशन बताई है, तो इन दवाओं को भी यूज़ करना चाहिए। ये सब भी अच्छी दवाइयाँ, बहुत अच्छी दवाइयाँ। हो सकता है इन दवाओं को उसमें मैंने बताया हो और निश्चित बताया होगा, लेकिन यहाँ पर और भी लक्षण बता दिए हैं किस किस कंडीशन में है, और इसको विधिवत तरीके से आज बता दिया हमने आपको। इसको ध्यान में रखिएगा। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।